सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में नाग पंचमी के अवसर पर हर साल लगने वाले नागद्वारी यात्रा के इस साल भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ इलाके में हजारों की संख्या में लोग इस मेले में नाग देवता के दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रशासन ने इस यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है, लेकिन हकीकत में इंतजाम कम ही देखने को मिलते हैं। मेले की प्रशासनिक कमान SDM मदन सिंह रघुवंशी संभाले हैं, तो वहीं पुलिस व्यवस्था की कमान और ग्राउंड में उतरकर SDOP रणविजय सिंह ने कमान को संभाला है। मेरी श्रद्धा है इस भगवान पे, इसलिए मेरे फैमिली के साथ मैं हर साल आती हूँ। ये मेरी सातवीं यात्रा है और इस यात्रा करने से मुझे अत्यधिक आनंद होता है। नमस्ते, मेरा नाम पंकज परात है, मैं नागपुर निवासी हूँ और यहाँ नागद्वारी यात्रा के साथ अपने मित्रों के साथ आया हूँ। और हमारा यहाँ पे बीड़ी जात आना है। मेरे परदादा दादाजी भी आए थे और मेरे दादाजी की भी समाधि है नागद्वारी में, और निसर्ग जो है नेचुरल वे उसी हिसाब से हम पूजा करते हैं, निसर्ग पूजा, और इसी उद्देश्य से आते हैं। नागद्वारी मेरा वर्ष 2019 अभी 29 तारीख से स्टार्ट हुआ है। आज बहुत भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में नागपुर और मध्य प्रदेश के दूसरे अंचल से यहाँ आ रहे हैं। आज कम से कम 30 से लेके 35,000 श्रद्धालु आए हुए हैं। हमारे पास जो है, जो प्रशासन की और पुलिस की जो व्यवस्थाएँ हैं वो चाक चौबंद है। पूरी तरह से हमने किसी भी यात्री को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पूरी व्यवस्थाएँ करके रखी हुई हैं। दो दिन से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था, तो कल 3 घंटे तक करीब करीब हमारा आवागमन बंद रहा। उसको भी हमने सुचारू रूप से रस्से बांध कर उसको चालू कराया और पुलिस की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में की है ताकि किसी प्रकार की कैजुअलिटी ना हो। हमारी जो पार्किंग है वो करीब करीब फुल हो चुकी है और दूसरी नई पार्किंग हम उसकी व्यवस्था हम बना रहे हैं। और यात्रियों में बहुत अधिक उत्साह है। वातावरण और जो मौसम है इतना अच्छा है, सुहावना है पचमढ़ी का, कि लोग बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ उसको देखने के लिए आ रहे हैं।